यार कोई बताए नहीं कि कैसे निकलेगा। मीटर लगा हुआ है लेकिन नहीं चल रहा, मीटर खराब है। कब आया मोटर? चल नहीं रहा। मुख्यमंत्री को इन लोगों को चिंता नहीं है, अब तक आकर के इन्होंने विधायक तक देखने का काम नहीं किया। ये स्थिति बनी है, इतना जल जमाव बीमारियों का समस्या है। वोट लेते हैं, टैक्स भी यहाँ की जनता देती है। जो काम होना चाहिए कम से कम 14 साल लाडले भाई मुख्यमंत्री का लगभग 12-13 साल रही है सरकार में, और यही विकास हम देख सकते हैं। स्मार्ट सिटी बनाने की बात है, स्मार्ट सिटी निगम के भी लोग लगे हुए हैं सब। कहा गलत हम बोल रहे हैं, पानी लगा हुआ है यहाँ पे पाँच चुप रहेगा, 4 दिन चुप रहेगा। हाँ नहीं, जब पानी बरसा ना एक बैग पानी घुस गया, उधर का कटाव जो था इधर घुस गया। और क्या तो क्या इतना सफाई पानी निकलने की कोशिश नहीं हो रही है? बोल जितना उधर से पानी आ रहा है निकल रहा है तो फर्क क्या पड़ेगा, जब आइए रहा है तो जा रहा है। इंतजार में है कि कोई आएगा सरकार का प्रशासन का और ये पानी कम से कम निकालने का काम करेगा। और जो बारिश हुई है, इतनी भी बारिश नहीं हुई, लगातार 2-3 दिन जो बारिश हुई उसमें ये हाल है। अगर समझे कि अच्छे से अगर बारिश हो जाए पूरे पटना जो राजधानी क्या पहले सुखाड़ को लेकर के कोई इंतजाम नहीं था, पानी को लेकर कोई इंतजाम नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी ही बद से बदतर है। बच्चे हैं, डेली स्कूल है, डेली व्यवसाय है, लोगों को आना जाना, नौकरी कॉलेज पढ़ाई लिखाई काम काज सब बंद हो चुका है। बीमारी हो सकता है, अभी लोगों को सूचना मिला है तो अभी उधर के इलाकों में कई इलाकों में भी इतना अभी तक कम से कम आप पानी नहीं निकाल पा रहे, तो कम से कम आप थोड़ा तो कीटनाशक दवा तो डाल दीजिए ताकि लोगों को बीमारी ना हो, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। और यहाँ के मंत्री जो है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हो या हेल्थ मिनिस्टर हो या मुख्यमंत्री हो या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, कम से कम आना चाहिए। इन्हीं ये लोग टैक्स पे आते हैं, अपना पूरा टैक्स देते हैं और आप लोगों को लगातार जो है चिंता ही नहीं होती। पटना के कई इलाकों में जल जमाव अभी तक है, पिछले 5 दिनों से जल जमाव। आपको दिखाते हैं तस्वीरें, आप देख सकते हैं यहाँ जो है किस तरह से अशोक नगर के दृश्य हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे पिछले 5 दिनों से पानी जमा है, घरों तक में 2-3 दिनों से पानी घुसा हुआ है और लोग परेशान हैं यहाँ। और स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पे इन लोगों ने कई बार जो है नगर निगम को कॉल करके बुलाने को, इसके स्थानीय विधायक को भी कॉल किया, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। 5 दिनों से जल जमाव है और आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लोग जो स्थिति है उसे जायजा लेने पहुँचे हैं। लोग उनसे अपनी समस्याएं बता रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम अब सरकार की, प्रशासन की, नगर निगम की आँख खुलेगी और ये जो बदतर स्थिति है इससे लोगों को छुटकारा मिलेगा। पटना से ईटीवी भारत के लिए अमित वर्मा।